हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? ये बहुत ही सिंपल होती है। जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो हर एक वर्ड को एक नाम दिया गया, हर एक वर्ड को, सेंटेंस के हर एक वर्ड को एक नाम दिया गया है कि जैसा वो काम कर रहे हैं। अगर वो वर्ड सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन बता रहा है तो हम उसको वर्ब कह देंगे। अगर वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है तो हम उसको एडजेक्टिव कह देंगे। अगर वो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है तो हम उसको एडवर्ब कह देंगे। और अगर वो किसी पर्सन, प्लेस या किसी भी चीज़ का नाम ही बता रहा है तो हम उसे नाउन कह देंगे। और नाउन की पोजीशन बता रहा है तो हम उसे प्रीपोजिशनल कह देंगे। और अगर दो वर्ड्स को या सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है तो हम उसे क्या कह देंगे? कंजंक्शंस। ठीक है, तो जैसा जो काम करेगा उसका वैसा ही नाम होगा। तो सिंपली हम ये सीखेंगे आज के पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है कि जब भी कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो उस सेंटेंस में उनका क्या रोल है, उनके अकॉर्डिंग उनको उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एट टाइप्स की होती है। पहला होता है नाउन, सेकेंड होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है वर्ब शोइंग एक्शन, फिर एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड प्रीपोजिशन। हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, महेश पर्सन है, इंडिया प्लेस है, लंदन, पेरिस, कुछ भी हो सकता है। थिंग टेबल है और आइडिया होप। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है जो आप उनको बेसिकली, अगर अपन एक शॉर्ट लाइन में बोलें तो नेमिंग थिंग्स, आप किसी भी चीज़ का नाम देते हो तो उसे हम नाउन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोनल यूजेस पेन एंड पेपर टू राइट स्टोरी। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटेशन। कि हम बार बार नाउन को नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए हम किसको यूज़ करेंगे नाउन की जगह पे? प्रोनाउन को। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि रश्मि खाना खा रही है, रश्मि बातें कर रही है, रश्मि रो रही है, रश्मि हंस रही है, तो बार बार रश्मि की जगह हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? शी, शी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो वहाँ पर डिनोट रश्मि को ही करेगा। तो इससे क्या होगा, हम उसका नाम जो है वो बार बार रिपीट नहीं होने देंगे, तो इसलिए हम उसको ये यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ पे शी क्या है? प्रोनाउन। माई मेरी सिस्टर है, तो ये बजान पर बार बार रिपीटेशन, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमको क्या यूज़ करना होता है? प्रोनाउन। तो आज हमने दो चीज़ें सीखी। पहला नाउन, विच इज़ नेमिंग थिंग। नेमिंग, किसी को भी आप नेम कर रहे हो तो वो नाउन हो गया। और प्रोनाउन क्या हो गया? रिपीटेशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा। आगे वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊँगी वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव्स। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। प्लीज़ शेयर and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon so we'll get the notification. Thank you. Have a nice day.